हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो भाई, रक्षाबंधन किस किस का कैसे मना, किसने कैसे मनाया, कमेंट बॉक्स में सभी ज़रूर बताना। और आज है दिन कौन सा है विनीता, आज शुक्रवार, तारीख है 12 और टाइम हो गया है अभी देखो 1 बजने वाला है। नहीं, इसमें उल्टा दिख रहा है, 1:10 हो चुका है और रक्षाबंधन को हो गया मेरा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरे लिए। देखो ये मेरे चश्मे ये लंगड़ा हो गया चश्मा मेरा, तो आज से हमको ही जाना पड़ेगा दूसरा चश्मा बनवाने। और ये देखो, ये कुणाल मेरा भतीजा, जो आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। कुणाल बोल के कर नमस्ते। हेलो, आए कुछ नमस्ते, हाय। अभी मैं तो ये नहा धोकर रेडी हो लिया है और सुबह का काम हमारा सब हो चुका है, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। 1 बज गया तो अभी लंच की तैयारी हो चुकी है और कुणाल कर रहा है राइटिंग इंग्लिश की, तो अभी मैं दिखाती हूँ। देखो कितनी अच्छी राइटिंग है इसकी, ये देखो कुणाल दिखा एक बार, बाद में लिखना। ये देखो इतनी अच्छी राइटिंग है इसकी, तो सभी लोग कमेंट करके भाई तारीफ करना बच्चे की, इसकी राइटिंग इतनी अच्छी है। तो भाई चलो देखो आगे की वीडियो। कल एक पार्टी में गई थी, थोड़ी सी डीजे मस्ती है और जो भी है देखना और कमेंट करके बताना प्लीज़। सभी कमेंट करा करो ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा बुरा जैसा भी लगे, अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में व्यक्त किया करो, है। चलो फिर देखो आज की वीडियो, और अगर कोई नया आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर दबाना। और देखो देखें वहाँ जाके पूजा क्या कर रही है, पूजा कर रही है लंच की तैयारी। और हाँ ये देखो, ये तो मैंने दिखाया ही नहीं, ये अभी प्याज कट कर रही है। और ये लाई है पूजा अपने मामा के यहाँ से घी, वही बंद है टाइट, खुल नहीं रहा है, बाद में दिखाऊंगी इसको, दूसरे ड्रम में निकालूंगी। इसमें ये डिब्बा तो है 12 किलो का, लेकिन घी थोड़ा कम है, पूरा नहीं है। इसकी मामी अपनी मामी से लेके आई है, लो पूजा ने खोल दिया है, तो ये देख लो ये शुद्ध देसी घी, बिल्कुल घर का बनाया हुआ, पूजा की मम्मी के हाथ का घी बनाया हुआ है। पहले आया करता मेरी मम्मी के हाथ का, तो मेरी मम्मी हो गई है बड़ी, उनसे इतना काम होता नहीं, तो उन्होंने कर दिए भैंस काम, तो अब शुरू हो गया है पूजा की मम्मी का घी। तो भाई हम तो मामा के यहाँ से घी खाते हैं, मामा के यहाँ से घी लाने के 2 फायदे हैं, एक तो घी अच्छा मिलता है जिसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं रहती, आँख बंद करके ले आओ और खाना शुरू कर दो। कहीं और से लेते हैं तो उसको दोबारा से गर्म करना पड़ता है, छानना पड़ता है। और दूसरा बड़ा फायदा एक तो ये कि जब भी लेने जाएंगे अपनी मामी से मिल के आएंगे, अपने मामा से, वहाँ के सब परिवार से, और फिर वहाँ जाएंगे तो कुछ मिलता भी है, क्योंकि भाई भांजी है तो भांजी को तो देना ही पड़ता है, कोई ना देना चाहे उसको भी। तो ये 2 फायदे हैं। जब मैं अपने मामा के यहाँ जाती थी तो मैं भी ऐसे ही कमाई करके लाती थी घी के अलावा एक्स्ट्रा, अब पूजा करने लगी वो वाली कमाई, तो भाई देखो 2 फायदे हैं। आप लोग भी बताना कमेंट करके कि ये फ़ायदा आप लोगों को कैसा लगा। आज बहुत ज़्यादा दिनों बाद ऊपर आई हूँ, सिनोए के बर्थडे पे आ गई थी लेकिन दिन में नहीं आई इतने दिन से, और आ गई हूँ, 4-5 सीढ़ियाँ बची हैं, दम फूल गया बिल्कुल। यहाँ के कैमरा ऑन किया है और सिनोए है ऊपर, देखो ये देखो, ये दादा पोता यहाँ खेल मचा रहे हैं। सिनोए क्या कर रहा है, ओए दादी आ गई ऊपर, ये सुनोए, सुनोए ने तो आज पहली बार देखा था, देखो ऊपर
दिन में उस दिन बर्थडे पे आई थी रात में। फ्रिज है ना, इसमें से एक पानी की बोतल निकाल। अरमन बोला था एक बोतल ले आना पानी की। नेल कटर ले, ब्लॉकड़। ये देखो नेल कटर आ गया। प्लांट्स में अच्छी रौनक आई हुई है, अभी तो है ही सीजन प्लांट्स की रौनक का। ये देखो कितने अच्छे हो रखे है ना, सारे प्लांट अच्छे हो रखे हैं और मस्त हवा चल रही है ऊपर। ये देखो राजा जी को, सुनोए महाराज, महाराज की जय हो। सुनोए महाराज की जय हो। या राजकुमार, राजकुमार सुनोए गुलिया की जय। ये देखो सबसे पुराना प्लांट है ये, और भी हैं इसके साथ के, लेकिन ये तो टूट गया था यहाँ से और फिर मैंने इसको पट्टी बांध दी थी पकड़ के। वो दिखाई दे रही है कि नहीं कैमरे में आप लोगों को, एक कपड़े की पट्टी बांध दी थी, फिर भी देखो इतना मोटा स्टंप हो गया इसका। ये अभी तक भी इतना सुंदर है, बहुत पुराना है ये। जब नीचे छत थी ना, ये बना भी नहीं था ऊपर, तब से है ये। सुना क्या कर रहा है बेटा तू, ये कुछ इंटरव्यू आ रहा था, वो बोला कि ना वो जाके देखता है ना कि ये गिलास और इसके अंदर कुछ है, तो बोला एक्सपेरिमेंट, और बोला हम उसको पकड़ लेते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट रुक जाता है। तो बोला फिर बच्चे पैदा ही क्यों करे थे, मतलब बच्चे पैदा करने का ही मतलब ये है कि घर में तब आई रहेगी, घर ठीक ठाक रखना था तो बच्चे पैदा ही नहीं करने थे। फूल खुश हो रहा है। चेंज करने की जरूरत पड़गी। माँ कती तर गया हवा चल रहा है, ठंड लाग दे काम इसने। लेट हिम हैव फन। सुनोए ओ बॉय, पकड़ा पानी पानी टूटी चला नहीं कहीं पे, जब टूटी में भी ऐसे पकड़ेगा। न्यू करके क्या दिखाओ फिर हमें। दोनों ननद चली गई है यहाँ से फ्री होके, अभी वहाँ गई है छोटी बहन के घर, वहाँ से फ्री हो जाएंगी, तब तक मैं जा रही हूँ वहाँ पे अभी छोटे भाई के घर। भाई तो राखी बंधवाए गए थे, हम लोगों को पता है केतन मनन के घर, और भतीजे और भाभी इंतजार कर रही है, और ये बड़ा वाला भतीजा सिनोए विनीता भी जा रही है। और मौसम हो गया है बिल्कुल साफ साफ, क्या कि क्या बोल रही हूँ मैं, हवा चल रही है, अच्छा मौसम हो गया है ठंडा। उनकी बनाने थे, उनके तो बनाने ऐसे कर ले बाबा। ऐसे बोले बाबा, ऐसे बोले बाबा। वीडियो बन गई, फोटो खींच गया, फोटो खींच के फोटो छोटे दादी के लाडले। भगत जी क्या रसोई में, रसोई में घड़ी घड़ी खा रही है, पकड़ी गई देख, एकदम तो घूम गया कैमरा। ये रक्षाबंधन हो गया है और अभी बज गए हैं 8,
11 तारीख के, और अभी एक दावत और भी बाकी है राखी के बाद, तो अभी जाना है एक कुआ पूजन में। कुआ पूजन तो खैर हो गया है, अभी डिनर करने जाना है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाऊँगी मैं अकेली, क्योंकि बच्चे गए हैं अपने मामा मम्मी के पास, छोटे मामा के यहाँ। खाना बना रखा था उसने खूब सारा, और हम लंच के टाइम पर जा नहीं पाए क्योंकि मेरी जो ननद आई थी वो थोड़ा लेट हो गई थी, तो इस वजह से हम पहुँचे लेट, मैं और मेरी बहन, तो हम खाना वाना कुछ खा के आए नहीं। तो वो बोलने लगी भाभी कि मैंने इतना खाना बना रखा है, शाम को बच्चों को ही भेज देना, आप नहीं आ पाओ तो। तो बच्चे चले गए हैं सारे वहाँ पे, और मैं वहाँ पे जा रही हूँ, साहब हैं यहाँ पे, बस साहब मेरे साथ भी जाने से मना कर रहे हैं। तो साहब का खाना आके बनाएंगे, चाहे वो आ जाएं पहले चाहे मैं आ जाऊँ, आके सेक देंगे। तो चलिए फिर, काफ़ी दिनों बाद आज वाटिका की सैर करा के लाती हूँ आप लोगों को। मंदिर में कीर्तन चल रहा है, चलो थोड़े से दर्शन कर लो आप लोग भी। जय माता दी।